हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि 10 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में सहारा पीड़ितों की बहुत बड़ी रैली हुई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस रैली को नोटिस नहीं किया और प्राइम टाइम मीडिया ने भी इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया। जैसे कि उम्मीद थी कि मोदी सरकार ने इस रैली, इस आंदोलन को बिल्कुल ही ब्लैकआउट किया और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि सहारा पीड़ितों की मांग पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, अब जन आंदोलन न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला और दूसरे अन्य सहयोगियों ने बताया है कि 30 जनवरी से भारत में चक्का जाम किया जाएगा, रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, सड़क जाम किया जाएगा। इस तरह से आंदोलन को एक नया रूप देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कुछ अन्य एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से मोदी सरकार सहारा के पैसे को हड़पना चाहती है, देना नहीं चाहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 27 दिसंबर से दिल्ली में सहारा पीड़ितों का आंदोलन चल रहा था। 10 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान पर इससे संबंधित एक बड़े आंदोलन की तैयारी थी। हालांकि प्रशासन ने इस आंदोलन की पर अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी सहारा पीड़ितों ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपका हरियाणा, दिल्ली, सभी जगहों से काफ़ी संख्या में सहारा पीड़ित पहुँचे। जहाँ एक तरफ 80 वर्षीय बुज़ुर्ग वहाँ पहुँचे थे, वहीं नौजवान सहारा पीड़ित भी काफ़ी मात्रा में थे। सहारा के निवेशकों के अलावा सहारा के एजेंट भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी बात ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार के समक्ष रखी। लेकिन ना तो उस दिन कोई मोदी सरकार का प्रतिनिधि वहाँ आया और ना ही प्राइम टाइम मीडिया ने, चाहे बड़े बड़े टीवी चैनल हो या फिर बड़े बड़े प्रिंट मीडिया हो, किसी ने भी इस खबर को नहीं छापा। सभी ने इस खबर को एक सुनियोजित साजिश के तहत ब्लैकआउट कर दिया। इस देश में अभी वर्तमान में बहुत से आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सहारा पीड़ितों का आंदोलन है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वालों का आंदोलन है, ईपीएस 95 पेंशन जिन लोगों के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जिसमें आदेश हो चुका है कि इन लोगों का पेंशन वृद्धि किया जाए, उन लोगों का आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा अग्निवीर, लगभग 1,20,000 नवयुवकों का सिलेक्शन सेना में हो गया था, लेकिन अचानक से अग्निवीर स्कीम लाया गया और 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, तो उन लोगों का आंदोलन चल रहा। तो इस तरह से पूरे देश में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े बड़े टीवी चैनल देखते हैं, जो प्राइम टाइम या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है और जिसको अब गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, वो हो गए, या फिर बड़े बड़े जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं वो हो गए, आपको किसी भी जगह पर इन सभी आंदोलनों की कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत इस तरह के जितने आंदोलन हो रहे हैं उन सबको ब्लैकआउट किया जा रहा है। सहारा का भी आंदोलन काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन मीडिया ने इसे कवरेज नहीं दिया, लोगों को नहीं पता चला। अब इस आंदोलन का आयोजक और दूसरे अन्य पीड़ितों ने सोचा है या एक प्लानिंग बनाया है कि अब धीरे धीरे हर जिले के जिला स्तर पर भी आंदोलन को रूप दिया जाएगा। मैंने, आप मेरे 2-3 पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, 2-3 दिन पुराना, कि मैंने उसी दिन कहा था कि 10 तारीख को जो आंदोलन दिल्ली में हो रहा है और जो साथी दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो लोग अपने जिला मुख्यालयों में, जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर जाएं और आंदोलन करें और एक ज्ञापन दें। अब उसी की मांग
जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला वही प्लानिंग कर रहे हैं कि 30 जनवरी को पूरे भारत में चक्का जाम किया जाएगा, रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, सड़क जाम किया जाएगा और सभी जिलों के जिला मुख्यालयों में जाकर वहां के जिलाधिकारी कलेक्टर को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया जाएगा। तो जो मैं पहले ही बोल रहा था अब उसी काम को किया जा रहा है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जिलाधिकारी जो होता है और राज्य और केंद्र दोनों का प्रतिनिधि होता है, तो आपको जो भी अपना विरोध दर्ज करना है वो सबसे सही जगह होता है जिलाधिकारी का कार्यालय, आप वहाँ अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। ये तो हो गई आंदोलन के बाबत सूचना। दोस्तों, अगर आप लोग 10 तारीख को दिल्ली नहीं जा पाए तो आगामी 30 जनवरी को जो आंदोलन होने वाला है आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, चूँकि अब वो जिला स्तर पर भी आप कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। आपको सिर्फ सरकार का विरोध प्रदर्शन करना है और सरकारी अधिकारियों को अपनी मांगों का एक ज्ञापन देना है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। 10, 20, 30, 50, 100 के समूह में रहकर आप अपना विरोध जताइए, क्योंकि बड़े आंदोलन के लिए एक बड़े तैयारी की ज़रूरत होती है, बड़े पूंजी की ज़रूरत होती है। फिलहाल सहारा के निवेशकों के पास इतनी सक्षमता नहीं है कि वो लाखों करोड़ों की संख्या में दिल्ली पहुंचकर एक बड़ा जन आंदोलन बना सके। तो इससे अच्छा है कि आप जहां है जिस ज़िले में हैं आप वहीं आप लोग अपने संगठन को मजबूत करें और वहीं पर आंदोलन को एक धार देने का प्रयास करें, एक तेज़ी लाने का प्रयास करें। अब मैं बात करता हूँ जो मेन मुद्दा है कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार आप लोगों के पैसे को देना चाहती है, दे सकती है, ये तो 100% है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार की नीयत ठीक है, वो आप लोगों के पैसे को क्या देना चाहती है। आज से 2 महीना पहले या बोले कि 1.5 महीना पहले एक खबर आई थी कि केंद्र सरकार सहारा का जो 25,000 करोड़ रुपए है जो सेबी के पास जमा है उसको अपने कामों के लिए प्रयोग, अपने कामों के प्रयोग करने के लिए उस पैसे को हस्तांतरित कर सकती है, हैंड ओवर ले सकती है, अपने अंदर ले सकती है भारत सरकार। तो इस तरह की एक खबर मतलब सभी मीडिया में आई थी, सभी टीवी चैनल, सभी अखबारों में आए थे। इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो खबर आए थे कि 25,000 करोड़ रुपए लेने के लिए भारत सरकार सोच रही है, उस खबर के साथ एक खबर और भी था कि जिसमें यह खबर था कि भारत सरकार जितने भी उस प्रकार का जो फंड जो काफ़ी दिनों से प्रयोग नहीं हो रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनक्लेम्ड मनी, जैसे कि क्या मान लीजिए EPF के जो खाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के जो खाते हैं या फिर बैंकों के जो खाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनक्लेम्ड होते हैं, मतलब जिनका है वो मर गए, उनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है, जानकारी में नहीं है। तो इस तरह से जो पैसा 10 साल तक अनक्लेम्ड रह जाता है, जिसको कोई लेनदार हकदार नहीं रहता है, तो उसको अनक्लेम्ड मनी कहते हैं। तो इस सहारा का जो 25,000 करोड़ रुपए है, चूंकि भारत सरकार का कहना है कि इसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो एक तरह से इसको अनक्लेम्ड मनी घोषित करके हम इसको हैंडओवर ले लेते हैं। तो ये भारत सरकार की चाल है। अब ये चीज़ आपको कोई नहीं समझाएगा। अब भारत सरकार का कहना है कि चूंकि यह घोटाला 2012-13 का है और लगभग 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस पूंजी को आए हुए सेबी के पास, और तब से अनक्लेम्ड है, क्लेम्ड मनी का उसमें डिटेल दिया गया है कि इतने लोगों का क्लेम हुआ, उतने लोगों का रिफंड किया गया, तो इसको भारत सरकार, मोदी सरकार उसको अनक्लेम्ड मनी घोषित करके अपने कब्जे में लेने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जो पोस्ट ऑफिस के हैं, बैंक के हैं, EPF खातों के जो पैसे हैं, तो इनकी प्लानिंग चल रही है कि ये लोग इस तरह के पैसे को अनक्लेम्ड घोषित करके अपने अंदर ले लेंगे। तो ये तो मैंने बताया कि केंद्र सरकार क्या सोच रही है। तो जो सरकार आपके पैसे को लेने के लिए, अपने खाते में लेने के लिए तैयार बैठी है, प्लानिंग कर रही है, साजिश कर रही है, क्या वो आपके पैसे को सही तरीके से देगी? अगर आप बोलते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, तो ठीक है, तब बताइए फिर आपका डिफिशेंसी का जो मैसेज है, 99% लोगों के जो पोर्टल पर क्लेम हुए, जो क्लेम सही भी थे, तो उनको सरकार ने क्यों रिजेक्ट किया?
अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर आपको क्लेम करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं मिला? 99% लोगों के क्लेम को क्यों रिजेक्ट किया गया, इसका जवाब आप हमको कमेंट करके ज़रूर दीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ तो। सरकार की नीयत में ही खोट है, सरकार चाहती ही नहीं है कि सहारा पीड़ितों या फिर PACL के पीड़ितों या फिर दूसरी जो सहकारिता कंपनियां जो फ्रॉड करके बैठी है उनके पैसे को सरकार जब्त तो कर लेती है। जब्ती करने में सरकार बहुत तेज है, किसी का प्रॉपर्टी को बोलिए जब्त करना तो सरकार एक मिनट में जब्त कर लेगी, लेकिन जब लोगों को हक देने की बात आती है तो 10-10 साल तक वही से भी जो 2 मिनट में जब्त कर लेता है एक सर्कुलर निकालकर, वही से भी 10 साल तक जांच पूरी नहीं करता है। तो इससे क्या सरकार की नीयत में पता नहीं चलता है कि कितना बड़ा खोट है। यही से भी को जब अडानी के मुद्दे पर जांच करने को दिया जाता है तो यही से भी 6 महीना में अपना जांच कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट लगा देता है, और यही से भी पिछले 10 साल से सहारा और दूसरी अन्य मामलों में जांच कर रहा है और 10 साल से उसकी जांच कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आपको क्या इसकी नीयत में अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि इसकी नीयत में कितनी खोट है? क्या सेबी को लगता है कि सेबी अपने मन से कर रहा है? ये सब केंद्र सरकार की साजिश है, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कुछ नहीं होता है। आज भारत में छापा पड़ता है किसी के यहाँ से 100, 200 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, सभी विपक्षी दलों के हैं। क्या किसी ने पूछा कि अमित शाह का लड़का जैसा दुबई में जो घर खरीदा है 400 करोड़ का, वो कहाँ से लाया? कोई पूछ सकता है? मैं पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि इसके लिए कंप्लेन हो, लेकिन चीजी करिए कंप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो सवाल करेगा, कोई तो सवाल पूछेगा। आज के समय में स्थिति यही हो गई है। चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया, इसको जो बनाया था लॉन्च पैड, जिस पर से इस यान को लॉन्च किया था उसके लिए जो पैड बनता है वो रांची के HEC में बनता है। उस लॉन्च पैड को बनाने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पिछले 3 साल से सैलरी नहीं मिली है। आज के समय में HEC 1500 करोड़ रुपए के कर्जे में है, 1500 करोड़ रुपए का कर्ज है उस पर। उसके पास अभी 1200 करोड़ रुपए का कार्यादेश है, मतलब ऑर्डर है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, कार्यशील पूंजी नहीं है कि वो बना सके। क्या भारत सरकार के संस्थान के पास ये स्थिति हो गई है कि भारत सरकार के संस्थान तो डूबते जा रहे हैं और जो प्राइवेट संस्थान है अडानी अंबानी के, वो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं? अब ये चीज़ अब आपको खुद समझना है कि जिस सरकार की नीयत में खोट है क्या वो सरकार आपके पैसे को देगी कि नहीं देगी, ये आपको समझना है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आज के समय में बात करें, चाहे याद कीजिएगा 2014 से पहले सिर्फ सरकारी नौकरी को एक रोज़गार माना जाता था, लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। अब आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा कर पकौड़ा तलवाना चाहते हैं तो तलवाइए और सरकार को चुनिए, ज़बरदस्त वोटों से चुनिए, 500 सीट दे के जिताइए और पकौड़ों के ठेलों के लगवा दीजिए, हर गली में पकौड़ा का दुकान लगवा लीजिए। अगर आपको यही रोज़गार लगता है, यही रोज़गार आपको अपने बच्चों के लिए चाहिए तो यही ठीक है। आज के समय में कहा जाता है कि मोबाइल सस्ता हो गया है, 2 GB सब फ्री दे दिया है, दिन भर सुबह से लेकर रात तक सारा बच्चा, सारा जितना जवान लड़का लोग है जिसको रोज़गार का तलाश करना चाहिए था, वो लोग मोबाइल लेकर 2 GB अपना ख़त्म करने में लगा रहता है कि किसी तरह से 2 GB ख़त्म हो जाए, डाटा बर्बाद नहीं हो। रोज़गार की चिंता किसी को नहीं है। सरकार एक साजिश के तहत इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि लड़का को मोबाइल में बिजी कर दो, फालतू चीज़ में बिजी कर दो, ना वो रोज़गार मांगेगा ना उसके पास इस सब के लिए समय है। इस सब चीज़ों को आप समझिए, सरकार की नीयत में गड़बड़ी है। अगर नीयत सही रहती तो पोर्टल पर जो 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया गया है और 99% लोगों के क्लेम को एक्सेप्ट किया गया रहता और उनको दिया गया रहता, लेकिन सरकार की चूँकि नीयत ही बदनीयत हो चुकी है तो उम्मीद नहीं है कि आपके पैसे को जल्द मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी वही हाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो अब आपको पता ही है कि क्या कहानी चल रहा है। जब दिसंबर में वो ऑर्डर कर सकता था तो अप्रैल में उसको डेट देने की क्या ज़रूरत थी? अब डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है।
इस तरह से जो आंदोलन अब लग रहा था कि इस आंदोलन से सरकार शायद कोई निर्णय लेगी, लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने इस आंदोलन को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया, कोई ध्यान नहीं दिया, अब तो यही लगता है कि जो 30 तारीख को आंदोलन आहूत है, आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस आंदोलन को अगर सही रूप दे सके, दिशा रूप दे सके, तो हो सकता है कि शायद कुछ सुनवाई हो, लेकिन उम्मीद तो कम है। लेकिन फिर भी जहाँ चाह वहाँ राह, आखिर कुछ तो करना होगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से सरकार की नीयत में ही खोट है, जो आपके पैसों को नहीं देना चाहती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, और आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी सरकार को चुनने का प्रयास करेंगे जो जनता की सरकार हो, जनता के हित की बात करती हो, जो आपके और हमारे बातों को सुने, मीडिया को खरीद कर मीडिया को दलाल नहीं बनाए, बल्कि एक ऐसा मीडिया बनाए जो विपक्ष की आवाज़ को उठाए, विपक्ष सरकार से सवाल करे। यही प्रधानमंत्री हैं जो रैलियों में दो दो घंटे भाषण देते हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आती है तब इनके जमान पर ताले लग जाते हैं। तो जो ऐसा ही अगर आपको चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश में बदलाव हो, गरीब लोगों के साथ न्याय हो, लोगों को सही न्याय मिले, तो अब 3 से 4 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। आप अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें और एक अच्छा सरकार चुनने का विकल्प प्रस्तुत करें।